मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने कहा कि एमआईएम ने टीआरएस को यरगमाल बना लिया है। टीआरएस की कार की स्टीयरिंग एमआईएम के हाथों में चली गई है। आज नोवोटेल होटल में साफियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि टीआरएस इख्तदार का गलत इस्तेमाल कर रही है। प्रगति भवन को किले में तब्दील कर दिया गया, जहां काबिनी वज़रा को भी रसाई हासिल नहीं है। तमाम मजलिसी कायदीन को चीफ मिनिस्टर तक रसाई हासिल है। किशन रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर महीने में 20 दिन फार्म हाउस में गुजारते हैं और माँ बाकी दिनों में नज्म व नस्क किस तरह चलाया जा रहा है अवाम के सामने है। उन्होंने कहा कि टीआरएस की नज़र में खवातीन को अहमियत हासिल नहीं है, इसलिए पहली मियाद के दौरान काबीना में एक भी खातून को शामिल नहीं किया गया। केसीआर को तोहम परस हुक्मरान करार देते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि अपनी अना की तस्कीन की खातिर सेक्रेटेरिएट को मुनहदिम कर दिया गया और एक नई इमारत तामीर की जा रही है। 8 साल वो बताते हैं, आप देखे होंगे असदुद्दीन ओवैसी जी का स्टेटमेंट, सिर्फ केसीआर ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं, सरकार का स्टीयरिंग मेरे हाथ में, एक्सीलेटर मेरे हाथ में, ब्रेक मेरे हाथ में, ये दोनों, एक ओवैसी सरकार, एक कलकुंतला सरकार, दोनों मिलके तेलंगाना को लुट रहे, ये दो लोगों का राजनीति। अब कोई विपक्ष के नेता जितने भी एमएलए हो एमपी हो कभी अपार्टमेंट नहीं देते सर, मगर असदुद्दीन ओवैसी मोटरसाइकिल लेके घर के अंदर बेडरूम के पास जा सकते हैं, ये स्थिति है तेलंगाना में। आज तक वो मेरे को शिकायत करते 8 साल से सेक्रेटरीट को नहीं आया दुनिया में कोई चीफ मिनिस्टर, ऐसा कोई चीफ मिनिस्टर दुनिया में नहीं दिखाऊंगा आपको, 8 साल से सेक्रेटरीट एक दिन भी नहीं आए वास्तु के नाम पर, ऐसे सेक्रेटरीट को तोड़ गया हो वो हमारे को सिखाते करते सरकार का ऐसा चलाना। ये फार्म हाउस में रहते हैं, एक महीने में 20 दिन फार्म हाउस रहते हैं, वो हमारे को सिखाते करते सरकार का ऐसा चलाना।